Good morning, students. Today we will start exercise 2.6 of chapter 2, fractions and decimals. So, हमारी exercise 2.6 का first question है find. First हमें given है 0.2 multiply 6. कैसे solve करेंगे इसको हम 0.2 multiply 6. देखो 0.2 में से अगर हम decimal को remove करें, अगर हम decimal को remove करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा denominator में divide में क्या आ जाएगा 10. 10 कैसे आएगा? जो decimal है वो किसके place पर है? 10 के place पर. 1, 10. तो नीचे क्या आ गया? 10 आ गया. तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 divided 10 multiply 6. अब numerator को numerator से multiply कर देंगे और denominator को denominator से multiply कर देंगे. तो 2 multiply 6 कितना होता है? 12. और 10 को multiply करेंगे 1 से, किसके denominator में कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसके denominator में 1 है. तो 10 को multiply करेंगे 1 से तो कितना आ गया? 10. तो 12 divided 10. अब इसको हम किसमें convert करेंगे? Decimal में convert करेंगे. तो डेसिमल को हमें कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल पॉइंट होगा वो कहाँ पर लगेगा, उसके लिए हमारे पास एक रूल है. ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस. अगर किसी वैल्यू को, किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से या उसके डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो उस केस में जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड की तरफ बाय 1 प्लेस. एक प्लेस को छोड़ के वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. हमारे पास वैल्यू है 12, ठीक है. तो इसमें हमको डेसिमल लगाना है 10 का, क्योंकि डिवाइड में है 10. तो क्या करेंगे, एक प्लेस को छोड़कर लेफ्ट की साइड जो होगा डेसिमल लग जाएगा. तो इसका मतलब 2 को छोड़ के आगे की तरफ क्या लग जाएगा? डेसिमल. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1.2. तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे डेसिमल से या उसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो है वो 10 है, तो उस नंबर क्या करना है? डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड की तरफ बाय 1 प्लेस. सेकेंड है 8 × 4.6, ठीक है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 8 × 4.6 है. 4.6 में से अगर हम जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि जो डेसिमल है वो 10 के प्लेस पर है. तो हम इसको लिख सकते हैं 46 / 10, ठीक है. नाउ 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 46 से. जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से तो हमारे पास आएगा 368. डिवाइड में क्या चल रहा है? हमारे पास डिवाइड में चल रहा है 10. अब देखो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि हम डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस. जब हम किसी वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका डेसिमल पॉइंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ बाय 1 प्लेस. तो हमारे पास नंबर है 368. तो हमने कहा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब इस तरफ वो शिफ्ट होगा. किस को छोड़ के? एक प्लेस को छोड़ के. तो 8 को छोड़ के जो हमारा होगा डेसिमल पॉइंट लगेगा. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 36.8. थर्ड हमें गिवन है 2.71 × 5, ठीक है. देखो 2.71, इसमें से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल किसके प्लेस पर है? 1, 10, 100. किसके प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर. तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 271 / 100 मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास? 5. नाउ 271 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1355. डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 100. देखो इस बार डिवाइड में 100 आया है. इस बार डिवाइड में क्या है? 100 है. तो इसके लिए दूसरा रूल है ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस. अगर डिवाइड में 100 आ जाए तो जो आप डेसिमल पॉइंट को लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो 2 प्लेस छोड़ कर लगेगा. दो डिजिट छोड़ कर जो होगा हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1355. तो हमने कहा कि अगर डिवाइड में 100 है तो दो प्लेस छोड़कर, तो मतलब 1, 2, इन दोनों को छोड़कर क्या होगा हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 13.55. सो इसी तरह हम क्वेश्चन फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो कर सकते हैं. तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल में आप जो आप डेसिमल लगा रहे हो और डिवाइड कर रहे हो किससे? 10 से. अगर डिवाइड में 10 है तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो एक प्लेस छोड़कर लगेगा. अगर डिवाइड में 100 है, अगर 10 है तो एक
प्लेस छोड़कर जो होगा हमारा डेसिमल पॉइंट लगता है। अगर 100 है तो 2 प्लेस छोड़कर हमारा डेसिमल पॉइंट लगता है, और अगर 1000 आ जाता है तो हमारा 3 प्लेस छोड़कर जो होगा वो डेसिमल पॉइंट लगेगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ हमें दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो जो हमारे पास पहले गिवन है हम उनको लिखेंगे। लेंथ हमारे पास गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ब्रेथ के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास यूनिट थी जो थी किसमें थी, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमने लगाया सेंटीमीटर। जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं तो जो भी यूनिट होती है उसके ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करने से पहले हम 3 रूल समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस। क्या बोला है फर्स्ट में, कि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ठीक है, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, राइट साइड पर, एक प्लेस छोड़कर, ठीक है। डिवाइड में क्या था, जब हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से तो वो मूव कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 10 से तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो शिफ्ट होगा राइट साइड पर बाय 1 प्लेस, एक प्लेस को छोड़कर। सेकेंड है हमारे पास, ऑन मल्टीप्लाइंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 2 प्लेसेस। अगर हम एक डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पर 2 प्लेस छोड़कर। जब आप 10 से करोगे उसको मल्टीप्लाई तो वो एक प्लेस छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगेगा, और जब आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड पर वो मूव करेगा और 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाया जाएगा। थर्ड है हमारे पास, ऑन मल्टीप्लाइंग द डेसिमल बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 3 प्लेसेस। अगर आप किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से तो जो डेसिमल पॉइंट होगा वो शिफ्ट होगा राइट साइड पर बाय 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस को छोड़ के। नाउ थर्ड का फर्स्ट हमें गिवन है 1.3 मल्टीप्लाई 10। देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई डेसिमल मल्टीप्लाई होता है 10 से तो क्या होता है उसमें, अगर वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट लगेगा एक प्लेस को छोड़ के, ठीक है। तो एक प्लेस को छोड़ के मतलब डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ लगा हुआ है तो दैट मीन्स एक प्लेस को छोड़ के राइट साइड पर लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा। तो आंसर कितना आ गया, 30। सेकेंड है 36.8 मल्टीप्लाई 10। हमारे पास है 36.8, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पर मूव करेगा एक प्लेस को छोड़कर। तो अभी डेसिमल यहाँ पर है तो अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक वैल्यू को छोड़कर मतलब 8 को छोड़कर, तो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 368। फिर फिफ्थ है हमारे पास 31.1 मल्टीप्लाई 100। 100 के केस में क्या था कि अगर कोई डेसिमल नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट होगा वो राइट साइड पर मूव करेगा 2 प्लेसेस छोड़कर। तो 2 प्लेसेस छोड़कर मूव करेगा तो अभी डेसिमल यहाँ पर है तो 1, 2, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 3110। फिर हमारे पास ट्वेल्थ है 0.03 मल्टीप्लाई 1000। 1000 के केस में क्या होगा कि जो डेसिमल होगा वो राइट साइड पर लगेगा 3 प्लेसेस को छोड़कर। तो अभी डेसिमल यहाँ पर है तो 1, 2, 3, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पर लगेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन थर्ड के वो आप खुद से ट्राई करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप शिफ्ट कर दो 1 प्लेस राइट साइड की तरफ, ठीक है, मतलब एक प्लेस छोड़कर राइट साइड की तरफ हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 100 तो उस केस में क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड पर वो 2 प्लेसेस छोड़कर होगा। और अगर वो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई डेसिमल नंबर तो क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट होगा जो शिफ्ट हो रहा है राइट साइड पर वो 3 प्लेसेस छोड़कर लगेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो हाउ मच डिस्टेंस
पेट्रोल में ये हमको बताना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 लीटर में कितना कवर करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो 10 लीटर में कितना करेगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 55.3 से। तो हम 55.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या होगा, जब अभी पढ़ के आए थे कि जब कोई डेसिमल नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है राइट साइड की तरफ एक प्लेस को छोड़कर। तो यहाँ पर अभी डेसिमल लगा है, अब डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 3 के बाद। तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, 553 किलोमीटर। तो दैट मीन्स जो टू व्हीलर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में, 553 किलोमीटर। Now let's come to the last question, that is question number 5th. 5th है हमारे पास, find first हमें given है 2.5 multiply 0.3. देखो कैसे solve करेंगे इसको, 2.5 यहाँ से अगर हम decimal को remove करते हैं, 2.5 में से अगर decimal को remove करेंगे तो नीचे क्या जाएगा, denominator में divide में आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि जो decimal था वो 10 की place पर था, 1, 10, तो नीचे क्या आ गया 10। उसी तरह से जब 0.3 में से हम decimal को remove करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 divided 10 मल्टीप्लाई 3 divided 10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 75, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 100। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100 जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पर बाय टू प्लेसेस। तो यहाँ पर 75 जो है वो डिवाइडेड है 100, तो उस केस में क्या होगा, जो डेसिमल लगेगा वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा दो प्लेसेस को छोड़कर। तो 1, 2, इसका मतलब 5 और 7 को छोड़कर जो होगा हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.75। थर्ड है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 0.2 में से हम सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 divided 10, क्योंकि जो डेसिमल है वो 10 की प्लेस पर है, मल्टीप्लाई 316.8 में से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 316 divided 10, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल 10 के प्लेस पर है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 316.8 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6336। डिवाइडेड 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अगेन ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय टू प्लेसेस, सो दैट मींस आंसर कितना आ गया हमारे पास, 63.36। नाउ फिफ्थ हमें गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। तो 0.5 में से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 10, क्योंकि 0.5 ठीक है यहाँ से डेसिमल रिमूव हो रहा है, तो डेसिमल 10 के प्लेस पर, तो नीचे क्या आएगा 10, यहाँ पर आ गया 10। उसी तरह से 0.05 में से जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100। नाउ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1000। नाउ ऑन डिवाइडिंग द डेसिमल बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 3 प्लेसेस। अब जो डेसिमल पॉइंट लगेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए तो वो 3 प्लेसेस को छोड़कर लगेगा, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, तो हमारा डेसिमल पॉइंट क्या आ गया, 0.025। हमारा आंसर कितना आ गया, 0.025। नाउ 7th हमें गिवन है 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, 1.07 में से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107 जो डेसिमल है वो किसके प्लेस पर है, 1, 10, 100, नीचे डिवाइड में क्या आ गया, 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1, 10, 100, डेसिमल कौन सी प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर, तो डिवाइड में क्या आ गया, 100। नाउ 107 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 214, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा हमारे पास, 10,000। नाउ ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10,000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। इस बार जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा वो क्या होगा, 4 प्लेसेस छोड़कर लगेगा, तो दैट मींस 4120 पॉइंट। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0.0214। देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 4
प्लेस पर हमने क्या लगाया जीरो और फोर्थ प्लेस छोड़कर क्या लगा हमारे पास डेसिमल। नाउ इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर आप किसी नंबर को डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हो 10 से तो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड की तरफ बाय वन प्लेस। एक प्लेस को छोड़ना होगा वहीं पर। आप अगर 100 से कर रहे हो तो वो टू प्लेसेस छोड़ना लगेगा और 1000 से कर रहे हो तो 3 प्लेसेस को छोड़ना लगेगा और 10,000 से कर रहे हो तो 4 प्लेसेस की तरह छोड़ना लगेगा। जैसे जैसे जीरो इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे जो प्लेसेस है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे 10 में देखो कितना जीरो होता है, एक ही जीरो होता है, तो ये इसमें जो पॉइंट लगता है वो एक प्लेस को छोड़कर ही लगता है। उसी तरह से 100 में 2 जीरो होते हैं तो इसमें जब डेसिमल पॉइंट लगेगा तो उसको वो 2 प्लेसेस को छोड़कर लगता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, उसी के हिसाब से जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे बाय 1 प्लेस, बाय 2 प्लेस, बाय 3 प्लेस और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस करेंगे।